हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीटेस्ट बटर रसोई। जब कोई सब्जी ना समझ में आए तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये सब्जी खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है, साथ ही झटपट बन जाती है। तो रोटी की जगह आप 4 रोटी खा लेंगे जब इस तरह की सब्जी बनाकर खाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं झटपट से बनने वाली टेस्टी सब्जी, ककड़ी बेसन की सब्जी। ककड़ी बेसन की सब्जी बनाने के लिए 1 हम खीरा लेंगे, इसे धोकर छील लेंगे अच्छे से। इस खीरे के टॉप और एंड कॉर्नर को अच्छे से काट के घिस लेना है और साथ ही ककड़ी को भी टेस्ट करके देखना है कि यह कड़वी तो नहीं है। यदि आपने चक्की नहीं देखी और ककड़ी को ऐसे ही डाल दिया सब्जी में तो पूरी सब्जी कड़वी हो सकती है। अब एक प्याज को छील कर धो लेंगे अच्छे से और इसके बाद इसे काट लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना है और ना ही बारीक काटना है। यदि आप 1 खीरा और 1 प्याज को लेकर सब्जी बनाते हैं तो यह सब्जी 3 लोगों के लिए बनेगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो अच्छी लग रही है तो 1 लाइक तो बनता है। अब हम 2 हरी मिर्ची को लेंगे, जिसे धोकर इस तरह से काट लेंगे बारीक। यदि आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप हरी मिर्ची ज़्यादा लें, क्योंकि इसमें लाल मिर्च नहीं डलेगी, हरी मिर्ची ही डलेगी। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म हो जाने के बाद इसमें 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, साथ ही थोड़ी सी हींग भी डालेंगे। 5 से 6 पत्ते मीठी नीम के डालेंगे। इसके साथ ही बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और हरी मिर्ची को भी डालेंगे। इसे लो फ्लेम पर अच्छे से पकाना है 1 मिनट के लिए। अब हम इसमें थोड़ी सी साबुत धनिया और थोड़ी सी मेथी दाना डालेंगे। ये देखिए लहसुन और हरी मिर्ची पक गई है। अब हम इसमें प्याज कटा हुआ डालेंगे। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसमें अदरक का 1 इंच टुकड़ा लेंगे और इसे ग्रेट करके डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। जब तक प्याज पके तब तक हम इस ककड़ी को ग्रेट कर लेते हैं। आप इसमें अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। प्याज भी थोड़ा पक गया है, ये देखिए। इस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। इसके बाद अब हम डालेंगे ग्रेट की हुई ककड़ी को। इसके पानी सहित ही डालना है, पानी नहीं निकालना है ककड़ी का। अच्छे से मिलाकर इसे 1 मिनट तक पकने देंगे। खीरा ग्रेट किया हुआ होता है तो ये जल्दी से पक जाता है। अब हम इसमें 3 चम्मच बेसन की डालेंगे। इसे लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट और पकने देंगे। ये सब्जी झटपट बन जाती है। बच्चे जब सब्जी खाना नहीं पसंद करते तो आप तुरंत भी इस सब्जी को बनाकर खिला सकते हैं बच्चों को। ये सब्जी गरम गरम इतनी स्वादिष्ट लगती है। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे। पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। जब कभी अचानक से मेहमान आ जाए तब भी इस सब्जी को आप ट्राई कर सकते हैं। मेहमान आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे, इतनी टेस्टी लगती है ये सब्जी। सब्जी बन गई है। अब हम इसमें हरी धनिया डालेंगे और इसके बाद अब गैस को बंद कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसमें लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच डाला है। आप यदि खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद इसमें कुछ पुदीने की पत्तियाँ भी काट कर डालेंगे और इसके बाद सर्विंग डिश में डालेंगे सब्जी को। यदि आप चाहें तो इसमें चाट मसाला या गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो है ना कितनी आसान सी ककड़ी बेसन की सब्जी मिनटों में बनने वाली। इस सब्जी को रोटियां पराठे के साथ सर्व करेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारी ककड़ी बेसन की स्वादिष्ट सब्जी, जो कि झटपट बन जाती है। सिंपल टेस्टी मिनटों में बनने वाली ककड़ी बेसन की सब्जी खाइए और खिलाइए और तारीफ पाइए। यदि आप कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करें। आई होप मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।